सिखाया था, बस ऐसा सोचो कि कोई काम कर रहे हो और उसके हिसाब से डांस करना शुरू, जैसे कि बर्तन मांजना, कपड़े सुखाना या फिर रोटी बेलना। पर अगर मैं ना रहा हूं तो मैं कैसा डांस करूंगा? करके देखता हूँ। ये क्या माँ, आपने मुझे फिर से बुला लिया, मैं कितने अच्छे से नाच रहा था। मतलब नाचने की प्रैक्टिस कर रहा था। DOTY के लिए है ना माँ? आपको कैसे पता? बिल्कुल पता है बालवी, हमारी नजर तो हमेशा तुम बच्चों पर ही रहती है। वैसे नाच तो अच्छा रहते तुम बालवीर। क्या डुबा डुबा क्या, मुझे डांस करना कहाँ आता है, मुझसे अच्छा पिछले लोग के बच्चे नाचते हैं। बालवीर आप भी उन सारे बच्चों की तरह अच्छे से डांस कर सको इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। मैं इतनी जल्दी कैसे नाचना सीख सकता हूँ? नटखट परी के नाचने वाले जादुई जूतों से। नाचने वाले जादुई जूते? हाँ बालवीर, जादुई जूते ये देखो। ये है? अच्छे जूते है ना? हाँ माँ बहुत अच्छे है। बालवी कैसे लगे ये जूते? बहुत अच्छे जूते हैं नटखट परी। शुक्रिया। ताली बजाओ तो ये जूते नाचना शुरू कर देते हैं और दूसरी बार ताली बजाने पर नाचना बंद भी कर देते हैं। अब इन्हें पहन के तुम भी पृथ्वी लोक के किसी भी बच्चे से अच्छा नाच सकते हो। शुक्रिया नटखट परी इन जूतों के लिए, पर मैं ये जूते नहीं ले सकता। क्यों? पर क्यों बालवीर? क्योंकि अगर मैं ये मुकाबला जीतूंगा तो अपने बल पर खुद मेहनत करके जीतूंगा, वरना जो बच्चे मुझसे अच्छा डांस करते हैं उन्हें ही जीतना चाहिए, उन्हें ही पुरस्कार मिलना चाहिए। शाबाश शाबाश बालवी। बॉस अब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेहर को डांसर ऑफ द ईयर नहीं बनने दूंगा, उसको फॉर्म नहीं भरने दूंगा, पर उसने तो वो फॉर्म भर लिया ना। और अब तो डांसर ऑफ द ईयर बन भी जाएगी, पर अब तो सिर्फ हमारे बॉस बन के रह जाओगे ना। नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब अब से आप हमारे बॉस नहीं बनेंगे? तो ठीक है, अच्छा हम दोनों आपके बॉस बन जाते हैं। देखो मोंटू। अरे बेवकूफो, मैं कह रहा था कि मैं मेहर को डांसर ऑफ द ईयर बनने नहीं दूंगा। पर उसने तो अब फॉर्म भर दिया है ना। हाँ लेकिन वो फॉर्म अभी तक टीचर के पास नहीं पहुंचा है ना। लेकिन बॉस अब करने क्या वाले हो? तकाराम, DOTY के सारे फॉर्म इकट्ठा हो गए? जी मैडम। ठीक है, ये सारे फॉर्म ले जाके प्रिंसिपल ऑफिस में रखवा दो, अब चाहे जो हो जाए और फॉर्म मत लेना। जी मैडम बिल्कुल। जैसे बोले ना वैसे ही करना। हाँ बस हाँ बस अरे आपको लगी तो नहीं ना अंकल? कोई बात नहीं मोंटू बेटा, रियली वेरी मिस हो, ये लीजिए आपके सारे फॉर्म। सॉरी मोंटू बॉस, सब फॉर्म वापस देने ही थे तो गिराया क्यों?
किसने कहा तुमसे कि मोंटू ने सारे फॉर्म्स वापस कर दिए? ये देखो मेहर का फॉर्म, नो फॉर्म नो ऑडिशन, नो ऑडिशन नो डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि रूल इज रूल। तौबा तौबा, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है पेड़ बनने का। अच्छा? हाँ, तुम्हें थप्पड़ जो नहीं मार सकती। आप तो बस जोर चलाइए मुझ पर ही परी भयंकर। कह रही थी आएगा बालवीर लेके जाएगा आपको और हो जाएगा आपका बड़ा खेल शुरू, पर बालवीर नहीं आया तो नहीं आएगा बालवीर। चुप। बालवीर आएगा, वो जरूर आएगा। मैंने कहा था ना, भले लोगों की भलाई ही उनकी कमजोरी होती है, और उसकी भलाई ही उसे यहाँ खींच लाएगी। याद रखो तौबा तौबा, बड़े बड़े खेल जल्दी में नहीं खेले जाते। लेने जा रही हूँ जिन्होंने DOTY के लिए फॉर्म भरे हैं। ये सीधे ऑडिशन में जाएंगे। इनमें से बेस्ट बच्चे चुने जाएंगे जो फाइनल कंटेस्टेंट्स होंगे। अब मैं जिन बच्चों का नाम लूँ वो मेरे साथ यहाँ आकर खड़े हो जाएं। तो पहला नाम है अंकित शर्मा, आकाश कोरिया, मानव डगली, बल्लू डगली, और ऑडिशन के लिए आखिरी नाम जाने वाला है तृप्ति वर्मा। मेरा नाम तो आया ही नहीं। क्योंकि तुमने DOTY के फॉर्म नहीं भरे होंगे। नहीं, मैंने भरा था। हाँ टीचर, महर ने फॉर्म भरा था। हाँ भरा था। मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती हूँ। मैंने तो साफ साफ कहा था कि जिसने फॉर्म भरा है वो DOTY में पार्ट ले सकता है, और जिसने नहीं भरा वो नहीं ले सकता। इसलिए महर, अब तुम डांसर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले सकती। बच्चों कॉन्ग्रेट्स, ऑल द बेस्ट। Ah!
बालवीर ने तो नहीं लिए ये नाचने वाले जादू जूते, पर मैं तो सकता हूँ नाच इन्हें पहनकर। अभी पहनता हूँ। अरे वाह, हे कितने अच्छे नाचने वाले जादुई जूते। घूमे थके अबे, उतार देता हूँ इन जूतों को। काश बंद हो गया, रुक गया। अरे नहीं बजाई मैंने ताली और कर दिया यूं नाचना शुरू। अभी रुकवा देता हूँ इन्हें। तो था पर उसका फॉर्म टीचर को मिला क्यों नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे देखना होगा कि मेहर का फॉर्म गायब कहां हो गया। फॉर्म के गायब होने का दिखा रास कर दे असलियत का पर्दाफाश। मोंटू बॉस, सब फॉर्म्स वापस देने ही थे तो गिराया क्यों? किसने कहा तुमसे कि मोंटू ने सारे फॉर्म्स वापस कर दिए? ये देखो मेहर का फॉर्म। नो फॉर्म नो ऑडिशन, नो ऑडिशन नो डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि रूल इज रूल। तो ये सब मोंटू ने किया है। मोंटू को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कैसे समझाऊं? मेहर, 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 सॉरी सॉरी मेहर, चुप हो जा प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक है तू रो, मैं जाता हूँ। रुक, पर कैसे ठीक हो जाएगा? रो मत मेहर, रो मत मेहर। अगर तुझे डांस ऑफ द ईयर कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने मिलता तो तुझे अच्छा लगता क्या? अच्छा लगता? मतलब महर, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मैं क्योंकि वो डांस की टीचर है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनके लिए रूल इज रूल। मोंटू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें खुश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे लिए ना मैं गिफ्ट लाया हूँ, एक मिनट। टिश्यू पेपर? हाँ, ढेर सारे टिश्यू पेपर्स। वो क्या है ना, अभी मेहर तुम्हें रोना है और हमें हंसना है। हाँ
मेहर डांसर ऑफ द ईयर ना मैं ही बनूंगा। देख मंटू, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे और मत परेशान कर नहीं तो पीट दूंगी। पीट दूंगी क्यों? देखने में डर गया मैं। मैं अब तो डांस तो कर नहीं सकती, हाँ पर तो पीटने की धमकी ही दे सकती है। बस मंटू, अच्छा हुआ बालवीर जी आप आ गए, मैं भी आपको बुला नहीं वाला था। वो क्या है ना, मुझे डांसर ऑफ द ईयर बनने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद दो बालवीर जी। मोंटू, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं, सजा देने के लिए आया हूँ। सजा? और मुझे? हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी रोने की बारी है। मेरी रोने की बारी? ये क्या कह रहे हो बालवीर जी? सही कह रहा हूँ, तुम तीनों को सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेहर का फॉर्म फाड़ा है, जिसकी वजह से मेहर इस मुकाबले से बाहर हो गई है। मोंटू, तुमने मेरा फॉर्म फाड़ा? हमने नहीं, इसने फाड़ा। मेरा मतलब है कि इसने नहीं फाड़ा, नहीं फाड़ा। पालवी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं फाड़ा मेहर का फॉर्म, सच्ची में मैंने नहीं फाड़ा। तुमने ऐसा नहीं किया? नहीं, सच्ची में मैंने नहीं किया। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। बालवीर, इसे ऐसी सजा दो कि इसकी अकल ठिकाने पे आ जाए। फिकर मत करो मेहर, तुम तीनों को बहुत शौक है ना नाचने का, अब तुम तीनों खूब नाचोगी। और क्योंकि तुमने मेहर का दिल दुखाया है, तुम तीनों लड़की बनकर नाचोगे। लड़की? लड़की? अरे लड़की नहीं। माफ कर दो। अरे बोलना मोंटू। भरते हैं जैसे बर्तन पानी भरकर, नाचे ये तीनों लड़की बनकर। तुम तीनों ऐसे ही लड़की बनकर मुकाबला खत्म होने तक नाचते ही रहोगे। माफ कर दो बालवीर, बालवीर माफ कर दो, मैं नहीं फाड़ा था मेहर का फॉर्म, मैं वापिस ऐसे नहीं करूंगा। बालवीर माफ कर दो, I'm sorry मैं। बालवीर प्लीज। सिर्फ मेहर से माफी नहीं मांगनी है, तुम्हें कल जाकर टीचर से भी कहना होगा कि मेहर का फॉर्म तुमने ही फाड़ा है और मेहर इस मुकाबले में हिस्सा ले सकती है। हाँ बालवीर जी, मैं सब सच सच बोल दूंगा, सब सच सच। हम लोग जाए? हाँ जाओ। थैंक यू बालवीर जी। बालवीर, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम्हें उसे और सजा देनी चाहिए थी। और सजा क्यों? इतनी सजा उसके लिए काफी है, और फिर उससे तुमसे माफी भी तो मांग ली। कल टीचर के पास जाकर वो अपनी गलती भी तो कबूल करेगा। लेकिन उसी की वजह से मेरा फॉर्म टीचर को नहीं मिला, और अगर तुम अगर सच नहीं बताते तो तुम्हें कभी कॉम्पिटिशन पार्टी नहीं ले पाती। तुम्हें उसे और सजा देनी चाहिए थी। देखो मेहर, सजा से बेहतर सुधार होता है, तो अगर मोंटू अपनी गलती सुधार रहा है तो और सजा किस बात की? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें उसे और सजा देनी चाहिए थी। तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं अब रानी परी से ही बात करूंगी, वो ही देगी मोंटू सजा। मैं सुनो तो सही, मैं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।